हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं पालक के बहुत ही सुपर सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठे। इसमें फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसे दही, चटनी, रायता, अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि 200 ग्राम पालक को धो के काट लिया है, बारीक काट लिया है। साथ ही हमने ये पीली वाली मिर्च ले ली है, काली मिर्च ले ली है, चाट मसाला ले लिया है और नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार। चलिए तो अब हम बनाना शुरू करते हैं पालक के सुपर सॉफ्ट पराठे। अगर आपको भी ये पराठे पसंद हैं तो आप इन्हें नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें। तो आइए चलें पालक पराठा की आसान रेसिपी को जानने। इसके लिए हमने गूंथने के लिए आटा, एक कटोरी दही लिया है या एक बाउल खट्टा मट्ठा भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है एक कटोरी आटा, एक बाउल आटा, इसको आप कप से भी नाप सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डाल लेंगे चाट मसाला और इसके साथ ही हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ में हम हल्दी और मिर्च का मिक्स पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च मिक्स है और ये स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। और इसी पॉइंट पे हम इसमें एक कटोरी दही डाल के आटे को अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। दही डालने का हमारा यही तरीका, इसलिए यहाँ पर दही डालने का हमारा उद्देश्य है कि हम इसको सुपर सॉफ्ट बनाएंगे और खट्टा दही डालने से ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होगा। साथ में हमने ये 200 ग्राम पालक है इसको भी डाल लिया है और अब हम इसको हाथ की सहायता से अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। परफेक्ट पालक पराठा बनाने के लिए आटा सही तरीके से गूंथना बेहद जरूरी होता है। आटे को गूंथने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन में गेहूं का आटा रख लें। अब उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और हल्दी पाउडर अच्छे से मिला लें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं तो उसमें आवश्यकता के अनुसार दही या पानी से उसको अच्छे से गूंथ लें। जब आटा अच्छी तरह से गूंथ जाए तो आटे में तेल या घी लगाकर उसे चिकना कर लें और गूंथे हुए आटे को 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। फिर आटे को एक बार हल्का सा ऑयल लगा के इसको दोबारा से सुपर सॉफ्ट बना लें, जिससे ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट तक रख दिया था और सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब आटे में से हम छोटे छोटे आकार की लोई बना लेंगे। अब उस पर थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क कर उसे पराठे की तरह पतला गोल बेल लेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं दो तरह से आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने एक ये देखिए बनाई है, थोड़ी सी रोटी सी बेल ली है। उसके बाद इसमें हल्का सा घी और हल्का सा हमने सूखा आटा लगाया है और इस तरह से इसका एक रोल बना लिया है। इसके बाद हम इसको, इस खड़े रोल को इस तरह से बैठा के इसको एक लोई की शेप दे देंगे और बाद में हम इसमें आटा लगा के इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़क कर पराठे की तरह पतला गोल बेल लेंगे। बस इसको इतना ही पतला करना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। एक दूसरा तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक छोटी सी गोला लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया पतला बेल कर और इसको चारों तरफ से इस तरह से बंद कर लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसको पराठे की तरह पतला गोला बेल लेंगे। जब सारा लोई बनकर तैयार हो जाए तो गैस पर तवा को रखकर गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो बेले हुए पराठे को डालकर धीमी आंच पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सेक लेंगे।
जब पराठा बनकर तैयार हो जाए तो उसे गरम गरम सब्जी अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे जिससे हमारा पराठा जलना नहीं चाहिए। इसी तरह से हम सारे पराठे बनकर तैयार कर लेंगे। पालक के पराठे का नाम सुनते ही लोगों को एकदम से भूख लग जाती है और सुबह सुबह नाश्ते में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। वाकई में पालक का पराठा बेहद स्वादिष्ट और क्रिस्पी होता है। इसमें फाइबर्स, विटामिन्स और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसे दही, चटनी, रायता या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से सारे परांठे बनकर तैयार हो गए हैं, तो हम इनको सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दो टाइप का सॉस लिया है। एक तो मैंने टोमेटो केचप लिया है और साथ में ले ली है मैंने ग्रीन हरे धनिए की चटनी, जिसको मैंने पहले से बनाकर तैयार किया हुआ है। अगर आप चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे कई प्रकार की चटनियों की वीडियो डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं पालक के परांठे और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।